नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं एक बड़ी खबर का और एक ऐसी खबर जिससे आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हां, कई जगह पर डॉक्टर इलाज करते हैं और कई अस्पतालों में नर्स डॉक्टर मिलकर इलाज करते हैं, लेकिन अगर भूत प्रेत आपका इलाज करने लगे तब क्या होगा? क्योंकि ऐसा ही काम होता है उत्तर प्रदेश की एक जगह पर। लेकिन पहले तो आपको ये मजाक लगेगा, जब तक आप इस खबर को पूरी तरह नहीं देखेंगे, और आप अगर देखेंगे पूरे अंत तक तब आपको पता चलेगा कि इस खबर में आखिर सच्चाई क्या है। ये कोई मजाक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस भूतिया हॉस्पिटल का राज कहां है जहां पर भूत इंसान की बीमारियों का इलाज करते हैं। भूत प्रेत जिसे ये सुनते ही रूह कांप उठती है। बहुत लोग हैं जो भूतों से रूबरू नहीं हुए हैं, लेकिन क्या सच में भूत होते हैं? तो हाँ, ये सही है। अकाल मृत्यु के बाद आत्माएं भटकती हैं जो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोगों पर दवा कोई असर नहीं करती। गोरखपुर जिले के रायगंज में एक ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों की बीमारी का इलाज भूत प्रेत करते हैं, और तो और वो भी बिना दवाई के। बीमार व्यक्ति के इलाज डॉक्टर करते हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसी जगह भी है जहां बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि भूत प्रेत करते हैं। यूपी के गोरखपुर में एक गांव है रायगंज। यहां एक ऐसा अस्पताल है जिसमें मरीज की बीमारी का इलाज भूत प्रेत करते हैं, और तो और वो भी बिना दवाई के। अब हम आपको बताते हैं कि ये इलाज कैसे किया जाता है। दरअसल यहाँ जो भी मरीज इलाज के लिए आते हैं उसे अस्पताल के बाहर कीचड़ से भरे गड्ढे में कूदना पड़ता है। और कहा जाता है कि उसे गड्ढे में भूत प्रेत रहते हैं और फिर वो मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ इलाज करवाने वाले तांत्रिक और ओझा की भी भरमार है, और वो लोगों को ठीक करने का दावा भी करते हैं। यही नहीं, एक चमत्कारी छड़ी भी है इनके पास जिससे वो मरीज को पिटाई भी करते हैं। अब ये एक अंधविश्वास है या आस्था, लेकिन आज के इस दौर में ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। लेकिन तांत्रिकों का कहना है यहाँ पर भगवान की कृपा है जिसके कारण सब ठीक हो जाता है। लेकिन इस तरह की बातें ये दर्शाती हैं कि आज भी लोगों के मन में प्रेत आत्मा का कितना वास है, और यहाँ लोग कोसों दूर से आज भी चले आते हैं भूत प्रेत और आत्माओं से अपना इलाज कराने के लिए। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लेकिन अगर आप ऐसे ही आश्चर्य करने वाले ऐसे मज़ेदार खबर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट खबर और देश और दुनिया की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।